हेलो गाइस, वेलकम टू आई ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जो विंडोज डिफेंडर का जो प्रॉब्लम है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने टाइटल पर में देखा ही होगा कि जो प्रॉब्लम है वो ऐसे कुछ आ रहा है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन इज मैनेज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना होगा। मेरा डिफेंडर में दो प्रॉब्लम एक साथ में आया था। पहला प्रॉब्लम था ये, एंड दूसरा प्रॉब्लम तो मैं वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ उसको भी आप कैसे सॉल्व कर सकेंगे। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है ना आपका, जो कि मेरा जो है सॉल्व हो चुका है, तो मैंने इंटरनेट पर खोजने के बाद यही ट्रिक जो है जो मैं दिखाऊंगा वही ट्रिक काम में आया था मेरा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे भी ये जो प्रॉब्लम है वो लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है ना, इस यहाँ पे एंड यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है ना, घुसने में इंटर करने में नहीं दे रहा था, ठीक है। तो कैसे आप ऑन कर मतलब कि ये प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, तो आपको एक काम करना होगा, CMD में जाके एक रजिस्ट्री की एंटर करना होगा। जिस ये इंस्ट्रक्शन जो है मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो इस इंस्ट्रक्शन को आपको कॉपी करना है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से कॉपी कर लीजिए। ओके, कॉपी इस इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, ओके, मैंने कट कर लिया था। तो इस इंस्ट्रक्शन में यही बता रहा है कि जो विंडोज डिफेंडर के अंदर जो डिजेबल एंटी स्पायर नाम का जो एक फाइल या रजिस्टर की है उसको डिलीट करेगा ये, ठीक है ना। तो उसको डिलीट करने के बाद ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपको जाना होगा CMD, और CMD को खोलना होगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके। ओके, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, करने के बाद यस अन ओपन हो गया। अब इसको आप सिर्फ एक बार राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर, अरे हाँ, सिर्फ एक बार राइट क्लिक कीजिए और एंटर दीजिए। एंटर मारने के बाद आपको ऐसा कुछ होगा, डिलीट द रजिस्टर वैल्यू डिजेबल एंटी स्पेयर, मतलब कि डिजेबल एंटी स्पेयर जो वैल्यू है मतलब रजिस्टर की है उसको आप डिलीट करना चाहेंगे या नहीं, यस हम करना चाहेंगे, इसलिए यस लिख दीजिए या वाई लिख दीजिए, यस लिख के एंटर कीजिए। ओके, एंटर करने के बाद मेरा दिखा रहा है सिस्टम वॉज अनेबल टू फाइंड द स्पेसिफाइड रजिस्टर की और वैल्यू, क्योंकि मेरा ये क्या हुआ है, ये डिलीट हो चुका है जब मैंने ट्राई किया था, इसीलिए मेरा जो डिफेंडर वो काम कर रहा है अभी, ठीक है ना, इसलिए मेरा जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। तो आप ट्राई करके आपको होगा ही होगा। एंड अगर फिर से भी कोई दिक्कतें आती है, ठीक है, इस प्रॉब्लम इस सॉल्यूशन के माध्यम से भी आपका जो है सॉल्व नहीं हो रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और मेरा जो ई प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद ही मेरा और एक प्रॉब्लम आया था, एंड मैं उसका स्क्रीन शॉट मैंने लेके रखा है, तो आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया था इस प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद, दिस सेटिंग इज मैनेज बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर और ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है ना। ये रियल टाइम प्रोडक्शन ग्रे आउट हो गया था, ये कुछ ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो या आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। तो एंड यस, एक बात और कि ये जो प्रॉब्लम है ये यस करने के बाद वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। ओके, रीस्टार्ट करने के बाद आप विंडोज डिफेंडर में जाके देखिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो बनता है यार, एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए आपका कोई भी दिक्कत आती है तो, एंड कैसा लगा ये वीडियो मेरा तो वो भी कमेंट में बताइए। तो ओके, चलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love.